नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीतम कुमार। बैंक के डेटा हाउस के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जीडीपी जो फॉल कर रहा है, क्यों फॉल कर रहा है, व्हाट आर द मेजर रीजंस बिहाइंड फॉलिंग जीडीपी। एंड हम ये भी डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं, कौन कौन से स्टेप लिए हैं टू रिवाइव आवर जीडीपी। ठीक है, सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे ही बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए हम प्रोवाइड करते हैं, लाइक डाटा इंटरप्रिटेशन फॉर मेंस लेवल एंड मेनी मेनी करंट अफेयर्स फॉर द डेली अपडेट्स एंड फॉर द मंथली रिवीजन आल्सो। और हमने स्टार्ट किया है 9 दिसंबर से डेली करंट अफेयर शो आपके लिए, तो उसको भी ज़रूर देखिए, बिकॉज वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है। और काफ़ी रिसर्च के बाद और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं उन्हीं क्वेश्चंस को चूज करता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, तो उसको भी आप देखना मत भूलें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड ऑल आई रिक्वेस्ट इज़ कि अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो कृपया शेयर जरूर करें, बिकॉज वी आर इन द इनिशियल स्टेज एंड वी नीड योर लॉट ऑफ सपोर्ट टू ग्रो फर्दर एंड टू प्रोवाइड क्वालिटी वीडियो कंटेंट टू यू। सो होपिंग कि आप इसको पसंद करेंगे, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो टॉपिक मैंने यहाँ पे क्या चूज किया है, टॉपिक है कि वाई जीडीपी इज़ फॉलिंग एंड क्यों 4.5% हो गया सेकेंड क्वार्टर में, जो कि आपने देखा होगा क्वार्टर वन में 5% था, है ना। और क्वार्टर टू का मतलब क्या होता है, क्वार्टर वन में क्या आता है, अप्रैल आता है, मई आता है, जून आता है, तो क्वार्टर टू में क्या आएगा, जुलाई अगस्त और सितंबर। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर विच इज़ क्वार्टर टू, क्यों 4.5% की ग्रोथ रेट रही है। तो आगे देखते हैं पीपीटी में हमारे पास क्या है, वेट एक सेकेंड, ओके। सो देख सकते हैं आप कैसे जीडीपी जो था डिक्लाइन हुआ है। तो अगर आप देखो 12-13 की बात की जाए, यहाँ पे 12-13 लिखा हुआ है, तो इसी क्वार्टर में सेकेंड क्वार्टर की बात हुई है सर, 7.49 था, 13-14 में 7.34 था, 14-15 में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस थी 8.73, फिर 15-16 में सिमिलरली था, 16-17 में भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसके बाद गिरने वाली स्टेज स्टार्ट हुई, फिर हम थोड़ा रिवाइव किया, फिर गिरे हम। तो अब देख सकते हैं क्या हालत हो गई है कि 18-19 में 7% था और 19-20 में आते आते ये पहुंच चुका है 4.5%, जो कि एक मेजर कंसर्न बनता जा रहा है आज के डेट में इंडिया के लिए। ठीक है, तो आप ये चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं कि क्या उतार चढ़ाव इंडिया में बने हुए हैं एज़ पर द जीडीपी कंसर्न। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन किए कुछ ऐसे फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं जीडीपी डिक्लाइन के लिए। देखो यहाँ पे क्या मेंशन है, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड फॉलिंग जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इज कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का मतलब होता है सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड में, लेट से अ पर्टिकुलर पीरियड इज़ वन फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर, उसके साल के अंदर इकोनॉमी के अंदर कितनी टोटल आउटपुट प्रोड्यूस की जाती है। सम टोटल ऑफ आउटपुट अगर मैं बात करूँ ना, सम टोटल इसका मतलब सम है, और आउटपुट को जोड़ दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, उसमें अगर डिक्लाइन आती है तो उसके पीछे क्या मेजर कंसर्न्स थे वो हमने इसमें डिस्कस किया है। पहला तो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम क्या था कि प्राइवेट कंजप्शन में, जिसको हम बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उसमें डिक्लाइन आई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखो कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर दो लोग करते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है और एक पब्लिक सेक्टर के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट। तो प्राइवेट सेक्टर जो करती है उसको बोलते हैं प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो क्या हुआ है, एट दिस टाइम जो है प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर में बहुत कमी आई है ड्यू टू लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज एंड सो मेनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, बट द मेन रीज़न इज़ स्लो डाउन इन द प्राइवेट कंजप्शन जो देखा गया है, तो उनमें से एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा जीडीपी जो है लगातार डिक्लाइन कर रहा है। आगे है लैक ऑफ क्रेडिट ग्रोथ एंड डिमांड इन द मार्केट। तो आपको पता होगा कि बैंक्स जो हैं काफ़ी एनपीए प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, उसकी वजह से जो है मार्केट में उनका इतना मतलब स्ट्रॉन्ग परसेप्शन नहीं बन पा रहा है लोन इशू को लेकर, तो बहुत ही कम क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिल रही है और क्रेडिट की डिमांड भी मार्केट में कम हुआ है, इसके कारण भी ऐसा देखा जा रहा है कि जीडीपी डिक्लाइन हो रही है। अगला जो सबसे मेजर रीज़न मुझे मेरे हिसाब से जो लगता है वो है वीक मैन्युफैक्चरिंग। हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने बहुत नेगेटिव मैन्युफैक्चरिंग रिटर्न्स दिखाई हैं इस महीने में, आगे के चार्ट्स में आपको दिखाऊंगा। और ड्रॉप इन एक्सपोर्ट जो है कमी आई है ड्यू टू द ग्लोबल स्लोडाउन के रीज़न की वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स में जो है वो स्लोडाउन हुई हैं, उसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे जीडीपी में फ़र्क पड़ा है, बिकॉज एक्सपोर्ट इज़ द मेजर फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी इकॉनमी के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है देखो क्राइसिस अमंग द शैडो बैंकिंग। आपको पता होगा जो कि नॉन रेगुलेटेड बैंक्स होते हैं, ठीक है, उनको हम शैडो बैंकिंग बोलते हैं, उनके अंदर बहुत सारी क्राइसिस चल रही हैं, फेलियर्स हो रही हैं, बहुत सारी बैंक्स फेल हो रही हैं जो कि बहुत जो प्रॉपर बैंक्स नहीं हैं, बहुत सारी फेलियर्स हमने देखी, जैसे कि डीएचएफएल बैंक्स,
ठीक है, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो NBFC था उसका, हमने PMC का देखा, बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसके ऊपर से काफ़ी वर्डन क्रिएट हो रहा है इकॉनमी के ऊपर, उससे वजह से भी ये चीज़ें हो रही हैं। आगे अगर हम देखें तो राइजिंग लेवल ऑफ NPA, अगेन इट इज़ अ फैक्टर विच यू कैन नॉट फॉरगेट कि NPA का जो प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, दीज आर द फैक्टर्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन इन द इंटायर इकॉनमी। सो मूविंग फर्दर आगे हम देखेंगे कि क्या होता है, तो आप ये देख सकते हैं कि वरी लाइंस यहाँ पे क्या है, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ इस चार्ट में कि आप ग्रोथ्स को देखिए, पहले 8% ग्रोथ थी, फिर 7 हुई, 6.5, 5.8, 5, और वी आर नाउ ऑन द 4.5। लगातार क्वार्टर वन से लेकर फाइनेंशियल ईयर 19 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 20 में जाते जाते हमारी ग्रोथ रेट जो है बहुत कम हो चुकी है। नॉमिनल ग्रोथ्स की बात करें, नॉमिनल टर्म्स मतलब देखो GDP जो होता है वो रियल टर्म्स में होती हैं, और नॉमिनल ग्रोथ का मतलब होता है विच इज़ कैलकुलेटेड ऑन द करंट प्राइस, ठीक है, जो मार्केट प्राइस पे अगर GDP कैलकुलेट किया जाए तो उसको हम बोलते हैं नॉमिनल ग्रोथ्स, ठीक है। तो उसमें हमारा ग्रोथ रेट कितना देखा गया है, 6.1% देखा गया है। एंड ये देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर में अलग अलग सेक्टर्स के द्वारा क्या परफॉर्मेंस रही है 19 और 20 में। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो 4.9% सकता, अब वो ये 2.1% रह गया। माइनिंग में बहुत ही रेयर चेंजेस आई हैं, मैन्युफैक्चरिंग का भी वही हाल, देखो पिछले साल 6.9% का ग्रोथ था, इस बार माइनस में दिखाया मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, -0.1, ये सिर्फ Q2 के लिए, नॉट फॉर द होल ईयर। यूटिलिटीज़ में आप देख सकते हैं 8.7% से 3.6, कंस्ट्रक्शन में डिक्लाइनिंग है 8.5 से 3.3, ट्रेड्स में डिक्लाइनिंग है ना, फाइनेंशियल सेक्टर में डिक्लाइनिंग है 7 से 5.8 हो गया है। एक ही बड़ा है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज पब्लिक जो है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, वी आर डूइंग एफर्ट टू रिवाइव आवर इकॉनमी। आगे देखो प्राइवेट कंजप्शन कितना डिक्लाइन हुआ है, 9.8 से 5.1 हो गया है। एंड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में भी बहुत डिक्लाइनिंग आई है, 11.8 से सिर्फ 1% रह गया, विच आर द मेजर कंसर्न विच आर रिस्पॉन्सिबल टू डिक्लाइन आवर GDP इन द रीसेंट कमिंग ईयर्स। सो अभी आगे हालात भी कुछ इतने अच्छे दिखाई नहीं पड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले एक दो क्वार्टर में भी सेम हालात बनने वाली है, बिकॉज ये जो कंडीशन हमारे पास क्रिएट हुआ है दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी चेंज इन सम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज़ अ रियली कंसर्न जिसको फोकस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और इसके ऊपर भी चर्चाएं बहुत होती रहेंगी। आगे देखते हैं कि क्या मेजर स्टेप्स लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिवाइव आवर इकॉनमी, तो इस चीज़ को मैंने इसमें डिस्कस किया है कि व्हाट गवर्नमेंट इज़ डूइंग टू रिवाइव द GDP। GDP को रिवाइव करने के लिए, इकॉनमी को बैक ऑन द ट्रैक लाने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो आपने रिसेंटली बहुत सारी न्यूज़ में सुनी होंगी कि गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ टू रिवाइव आवर इकॉनमी, विच मेजर कंसर्न्स जो हमारी रही है, GDP डिक्लाइन हो रही है लगातार चौथे पांचवें क्वार्टर में, उसको कंसर्न है और उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स भी लिए हैं। वो अलग बात है कि इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो मेजर स्टेप्स मेरे हिसाब से मुझे लगते हैं, मैंने 1 से लेकर 7 पॉइंट्स में मेंशन किए हैं, उसको देखते हैं कि करके उसमें क्या है। पहला देखो, स्लैशिंग लैंडिंग रेट्स, आपको पता होगा रेपो रेट्स लगातार गिरा के अब सिर्फ 5.15% कर दिया गया है, ठीक है। आगे उसके बाद 5 बार टोटल इसको गिरा चुका जाता है, हर बार 25 बेसिस पॉइंट गिरा जाता है ना, एक बार 33-35 बेसिस पॉइंट्स भी गिराया गया था इस साल। उसके बाद जो सुपर रिच कैटेगरी के पर्सन हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास जो सरचार्ज लगता था वो भी डिक्लाइन कर दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया है। जो स्टार्टअप्स हैं उसको एंजल टैक्स से छूट दिया गया है, ठीक है। कॉरपोरेट टैक्स में भारी कटौती की गई, आपको पता ही होगा कि कॉरपोरेट टैक्स जो कि पहले 30% था उसको डिक्लाइन करके 22% कर दिया गया था, एंड सरचार्ज मिला के 25% के आसपास, और फॉर द न्यू कंपनीज ये सिर्फ 15% था। तो आपको पता ही है कि जो सरचार्ज हैं एंड द कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें कटौती की गई है। आगे एक आपको अभी रिसेंटली न्यूज़ मिला होगा कि गवर्नमेंट ने एक रियल स्टेट्स के लिए एक फंड जो है 25,000 करोड़ रुपये का सेट किया है टू रिवाइव द रियल स्टेट इन द कंट्री। एंड बैंक्स के मर्जर किए गए हैं, सिर्फ अब 13 बैंक रह गए हैं, ठीक है, तो उनके 13 या 12 बैंक रह गए हैं, तो उसके मर्जर्स भी किए गए हैं ताकि जो है सपोर्ट मिले। और गवर्नमेंट ने अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी 70,000 करोड़ रुपये का इन्फ्यूजन किया है, विच इज़ गोइंग टू हेल्प द इकॉनमी। दीज आर द मेजर स्टेप्स जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं, और गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जो इकॉनमी है हमारी ट्रैक पे वापस आ जाएगी बहुत जल्दी। जैसे कि आप निर्मला सीतारमण को, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको सुन सकते हैं कहते हुए कि हमारे रिसेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, बिकॉज हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं और वी आर गोइंग टू बैक ऑन ट्रैक सून। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे लगता है कि इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड इसमें टाइम लग सकता है। आगे देखते हैं, देखो हमने जो बनाया था एक टर्म कि हमें 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है ना, 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है 2024-25 तक। बट अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें 9 साल और एक्स्ट्रा लग जाएंगे, जो कि आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं, आपको टोटल 9 साल एक्स्ट्रा लग सकते हैं जो भी हमारा 24-25 का टारगेट है। तो हम इसको अगर 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनना चाहते हैं विद द सेम पेस ऑफ ग्रोथ, तो ये 2033-34 में जाके होगा, जो कि बहुत ही एक रियल कंसर्न है फॉर द कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है। तो अगर इसी हिसाब से हम देखते रहें तो आप देख सकते हैं चार्ट के जरिए कि बहुत ही जो है
मुश्किल साबित होने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। सो वेल फॉर ऑल होप, हम यही चाहते हैं कि इकॉनमी हमारी बैक ऑन ट्रैक हो जाए, गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स ले और इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दे जिससे हमारी इकॉनमी जो है रिवाइव कर पाए। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज़ मेक सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द फ्यूचर अपडेट। थैंक यू सो मच, मैं हूँ प्रीतम कुमार, मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।